एक बार एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने से गुजर रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन सामने जो स्ट्रीट लाइट थी उसके तहत सड़क पे बहुत सारी रोशनी थी। उसने देखा कि मुल्ला जो है वो कुछ बहुत डेस्परेटली कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उसने मुल्ला से पूछा कि आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं यहाँ पे अपने घर की चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो वो जो आदमी है उसने मुल्ला की मदद करने की सोची और साथ साथ में वो भी चाबी ढूंढने लगा चारों तरफ। काफी देर गुजर गया, चाबी नहीं मिली। तब उस आदमी ने मुल्ला से पूछा कि क्या आप श्योर हैं कि आपकी चाबी यहीं पे खोई है। तो मुल्ला ने कहा, नहीं, चाबी तो मैंने अपने घर के अंदर खोई है। अब उस आदमी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अजीब आदमी है आप, जब चाबी आपने घर के अंदर खोई है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो मुल्ला ने कहा, देखो घर के अंदर बड़ा अंधेरा है, वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां चाबी कैसे मिलेगी। यहां पे बहुत रोशनी है, तो हो सकता है कि चाबी यहां पे मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां हैं ये पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से कुछ ऐसे मैसेजेस हमें मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें सीखने को हमें मिलती हैं जो कि और किसी तरीके से हम नहीं सीख सकते। ये जो कहानी है उसका बहुत बड़ा एक महत्व है, और वो महत्व ये है कि हम सारे लोग जो हैं वो भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, वहां भगवान ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान तो हमारे अंदर है। हम वहां ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, हम अपने अंतरात्मा में ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं, और इस वजह से हमें जिंदगी में कभी भी भगवान नहीं मिलते। इस कहानी से हम कुछ और भी सीख सकते हैं। हम सभी लोग अपनी जो खुशी की तलाश है वो बाहर करते रहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत रोशनी है, चकाचौंध है। लोग हमें बताते हैं कि हमारा सामान खरीद लो तुम खुश हो जाओगे, यहां घूमने चले जाओ तुम खुश हो जाओगे, इससे शादी कर लो खुश हो जाओगे, ये नौकरी पा जाओ खुश हो जाओगे। हमें ये बताया जाता है कि खुशी का जो स्रोत है वो सिर्फ बाहर है, और हम पूरी जिंदगी जो है बाहर खुशियां तलाशते रहते हैं, लेकिन हमें खुशियां कभी हासिल नहीं होती। और उसका कारण क्या है कि खुशी तो हमारे अंदर छुपी हुई है, और जब तक हम उस खुशी को महसूस नहीं करते हैं तब तक जो है हम बाहरी चीजों से अपने को कभी खुश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि अगर हमें ईश्वर की तलाश है या अगर हमें खुशियों की तलाश है तो हम उसे सिर्फ अपने अंदर ही पा सकते हैं, वो बाहरी दुनिया में नहीं मिलती है। आप अगर सोचते हैं कि आपके पास पैसा होगा, पावर होगा, या आपके पास में नाम होगा और उससे आप खुश हो जाएंगे, तो ये बात सही नहीं है। आप इसके बाद में भी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो खुशी है वो आपके अंदर है, और अगर आपने अपने अंदर वो खुशी पा ली तो आपको किसी भी तरीके की बाहर की चीज़ों की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। और इसी तरीके से अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से ईश्वर जो है आपको रास्ता दिखाता है और सही रास्ते पे ले जाता है।